भीमराव रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द सूटर्स आफ्टर मीटिंग देम ब्रीफली। तो भीमराव ने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया उनसे मिलने के बाद। आइदर दे वर टू शॉर्ट और टू टॉल, या तो वो बहुत ही उनकी हाइट छोटी थी या बहुत ही लंबी थी, और टू फैट या बहुत ही वो मोटे थे, और नॉट इंटेलिजेंट इनफ या वो इंटेलिजेंट नहीं थे। फाइनली ही नैरोड डाउन द चॉइस टू थ्री सूटर्स, और फाइनली उसने तीन लोगों को चुना, तीन लड़कों को चुना। ही फेल्ट दैट ऑल थ्री वर वेरी गुड, उसने ऐसा महसूस किया कि ये तीनों बहुत ही अच्छे हैं। ही फाउंड ऑल थ्री इक्वली इंटेलिजेंट वाइस एंड करेजियस, उसने पाया कि ये तीनों ही बहुत ही एक बराबर के इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं और बहुत ही साहसी हैं। दे वर टॉल, वो तीनों लंबे थे, हैंडसम थे। नाउ ही डिड नॉट नो हाउ टू चूज द बेस्ट अमंग देम, तो अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो तीनों में से एक को कैसे चुने। वाट डू आई डू सेवाक्रम, उसने सेवाक्रम से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। हाउ डू आई डिसाइड विच वन शुड मैरी माई डॉटर, मैं कैसे निर्णय लूँ कि इनमें से कौन जो है मेरी डॉटर से विवाह करेगा। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। ओके, भीमराव कन्फाइडेड इन हिज नेबर, भीमराव ने अपने नेबर से ये सारी बातें बताई। Why don't you test their skills and choose the one who perform the best, advised सेवाक्रम। तो सेवाक्रम ने भीमराव को एडवाइस किया, तुम इन तीनों की एक परीक्षा लो, ओके, और उनमें से किसी एक बेहतर को चुनो। Perhaps you are right, I will call all the three of them tomorrow and give them a task। तो भीमराव बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो, मैं उन तीनों को कल बुलाऊंगा और उनको एक टास्क दूंगा। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेंट फॉर द थ्री सूटर्स, द थ्री ऑफ यू वॉन्ट टू मैरी माई डॉटर, आई लाइक ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर दैट यू विल कीप माई डॉटर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। तो उन तीनों सूटर्स से भीमराव बोलता है कि तुम तीनों मेरी डॉटर से विवाह करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई एम श्योर दैट यू विल कीप माई डॉटर वेरी हैप्पी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरी डॉटर को संतुष्ट रखोगे, उसको खुश रखोगे। आई कन्फेस दैट आई डोंट नो विच वन ऑफ यू इज़ बेस्ट सूटेड टू बिकम माई सन इन लॉ, तो वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम में से कौन जो है वो सबसे बेस्ट है जो मेरा दामाद बनने लायक है। आई हैव डिसाइडेड टू टेस्ट यू, मैंने तुम तीनों की टेस्ट लेने की सोची है। द वन हु डज द बेस्ट विल बी चूजन एज माई डॉटर हस्बैंड, तुम में से जो सबसे अच्छा करेगा वो मेरे डॉटर का हस्बैंड बनेगा। वाट डू You say, do you agree? क्या कहते हो तुम, क्या तुम सहमत हो? They all agreed, वे तीनों सहमत हो जाते हैं। Then he said, I give you all 3 months time. तो भीमराव बोलता है कि मैं तुम लोग को 3 महीने का समय देता हूँ। At the end of 3 months, I want you to become back to me. तो 3 महीने बाद तुम वापस मेरे पास आना। एंड टेल मी अबाउट वन ग्रेट थिंग दैट यू हैव डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और मेरे पास आके मुझे बताना कि इन 3 महीनों में तुमने कौन सा वो सबसे अच्छा काम किया है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। आई विल बी द फाइनल जज, मैं फाइनल जज करूँगा। एंड चूज द राइट मैन फॉर माई डॉटर, और एक सही वर को मेरी डॉटर के लिए चुनूंगा। आफ्टर आई हैव हियर द डीड्स दैट यू परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि तुमने कौन सा अच्छा वर्क किया है। द थ्री सूटर्स एग्री टू स्पेंड द नेक्स्ट 3 months डूइंग देयर डीड्स इन देयर ओन वे,
तो तीनों सूटर जो है एग्री हो जाते हैं, वो 3 महीने तक टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, एक अच्छा वर्क करते हैं। दे विश्ड ईच अदर गुड लक, वे तीनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं एंड वेंट देयर सेपरेट वे, और अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं।